नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। यदि आप लोगों ने अब तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाल वाले बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हिंदी सिनेमा की खूबसूरत, टैलेंटेड और गजब की अदाकारा श्रीदेवी यूं दुनिया को अलविदा कह जाएगी, ऐसा किसी ने भी सोचा नहीं था। श्रीदेवी बोनी कपूर के भांजे मोहित मारवा की शादी के सिलसिले में दुबई में थी। उनका पूरा परिवार उनके साथ था और वे शादी समारोह में काफी खुश थी और उन्होंने अपनी खुशियों के पल को अपने फैंस के साथ सोशल साइट पर शेयर भी किए। महज 54 साल की उम्र में श्रीदेवी की आकस्मिक मौत से पूरा बॉलीवुड सदमे में है। परदेश में ही मिली खुशी और परदेश में ही गम भी मिला। शादी की खुशी के बाद किसी की जिंदगी खोने का गम भी साथ आया। 54 साल की उम्र में ही इस खूबसूरत और टैलेंटेड अदाकारा की मौत हो गई। दुबई में शादी समारोह में शामिल होने के लिए गई थी श्रीदेवी और अब उनका पार्थिव शरीर वापस उनके घर पहुंचा। बीते शनिवार 24 फरवरी को श्रीदेवी की आकस्मिक मौत हो गई। उनके साथ उनके पति बोनी कपूर और छोटी बेटी खुशी कपूर थी, जबकि उनकी बड़ी बेटी जानवी कपूर अपनी फिल्म की शेड्यूल की वजह से उनके साथ नहीं जा पाई थी। दुबई में मोहित मारवा की शादी थी। बोनी, अनिल और संजय कपूर के भांजे हैं मोहित मारवा और इसी शादी में ही श्रीदेवी भी शामिल हुई और उनके साथ उनकी बेटी खुशी और अनिल कपूर भी मौजूद थे और श्रीदेवी ने अपनी इन खुशी के पलों को अपने सोशल अकाउंट पर भी शेयर किया था। शादी समारोह की तस्वीरों को देखकर कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि कुछ समय बाद उनके साथ ऐसा कुछ होने वाला था। शादी के प्रोग्राम में श्रीदेवी के साथ बॉलीवुड की कई नामचीन हस्तियां शामिल थी। इस कार्यक्रम में कपूर परिवार से संजय कपूर, अनिल कपूर, अर्जुन कपूर, सोनम कपूर, खुशी कपूर, श्रीदेवी, बोनी कपूर और मशहूर डायरेक्टर करण जौहर भी शामिल थे और अमिताभ बच्चन की बेटी श्वेता नंदा भी इस कार्यक्रम में शामिल थी। अनिल अंबानी और टीना अंबानी भी बारातियों में शामिल थे और अनिल अंबानी के प्राइवेट जेट से ही उनकी बॉडी को भारत वापस लाया गया। इस शादी के प्रोग्राम में कपूर परिवार की बड़ी बहू होने के नाते श्रीदेवी सारी रस्में निभा रही थी। मोहित मारवा की शादी 20 फरवरी को हुई थी और इसके 4 दिन बाद ही एक बहुत बड़ी दुखदायी खबर सबके सामने आई। साथ ही लोगों के मन में ये भी है कि खुश मिजाज और खिलखिलाती श्रीदेवी की अचानक मौत कैसे हो गई। श्रीदेवी अपनी फिटनेस को लेकर काफी जागरूक थी। 50 की उम्र के बाद भी उन्होंने अपने आप को काफी मेंटेन रखा था और उनकी मौत के बाद सब कुछ खत्म हो गया। यदि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।